दोस्तों, एलके इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका फिर से आपका स्वागत है। देखिए, मेरे पास जे वी डी का सेटअप बॉक्स आया है जो कि 4K है। इसमें प्रॉब्लम आया है, कस्टमर बोल रहा है कि इसमें जब टीवी में पिक्चर चलता है उसके बाद पिक्चर भाग जाता है फिर आता है, यही प्रॉब्लम होता है। जो कि हम इसमें पहले करंट देके इसको चेक करेंगे, इसमें ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको ऑन किए, देखिए इसका पावर प्लग लगा दिए, यहाँ ऑन हो गया है। उसके बाद हम सिग्नल वाला वायर को हम लगाएंगे इसमें कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, हम इसमें सिग्नल वाला वायर को इसमें लगाएंगे। देखिए, हम इसमें सिग्नल वाला वायर को थोड़ा लगाते हैं बढ़िया से। देखिए, इसमें सिग्नल आ गया, लेकिन सिग्नल कभी कभी आ जाता है फिर भाग जाता है। जो कि इसमें जो पीछे साइड जो वायर लगता है, पीछे साइड वाला वायर को हम इसमें देखेंगे कि प्रॉब्लम इसी में आता है पीछे। इस प्रकार से मदरबोर्ड को हम निकाल लेंगे बाहर। हम इसमें देखिए, इसका तो खोल लिए मदरबोर्ड। देखिए, इसमें प्रॉब्लम देखिए दोस्तों कहाँ पे आ रहा है। देखिए देखिए, यहाँ से ये हिल रहा है। देखिए, यहाँ से जो ये हिल रहा है, यही वजह से इसका सिग्नल जो है वीक हो जाता है या सिग्नल भाग जाता है। तो हम इसमें देखिए, इसमें हम वायर लगाएंगे जो कि एंटीना से आया हुआ है। तो हम इसमें वायर देखिए हम लगा देंगे। देखिए, इस वायर को हम लगाए तो देखिए मेरा सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है सिग्नल। लेकिन सिग्नल आ रहा है तो देखिए हरा बत्ती जल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो हिलता है, कभी कभी हिलने के कारण जो कि सेटअप बॉक्स का सिग्नल गायब हो जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ से हिल रहा है। तो हम इस वायर को बढ़िया से हम सोल्डरिंग कर देंगे। इसको सोल्डरिंग इस प्रकार से करेंगे, देखिए इस जगह को सोल्डरिंग कर देंगे तो ये हिलना बंद हो जाएगा। तो हम इसमें सोल्डरिंग करने के लिए देखिए, यहाँ से इसको साफ करेंगे रेती से या सरस कागज़ से भी कर सकते हैं आप। तो हम इस जगह से साफ कर देंगे, कंटिन्यूटी मोड पे रख लेना है इसको, उसके बाद चेक करना है इसको। देखिए, यहाँ पे रख लेना है। देखिए, यहाँ कभी कभी साउंड देखिए कभी कभी छोड़ देता है। देखिए, रेजिस्टेंस शो करने लगता है। इसको हम सोल्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। जम्पर इसमें नहीं पकड़ रहा तो हम इसमें सोल्डिंग कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट।